हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो के बारे में, एक टॉपिक के बारे में जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, सेमी कंडक्टर के प्रॉपर्टी डिस्कस की, सेमी कंडक्टर की नीड एंड इसके एप्लीकेशन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। सो नाउ हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, दैट इज द एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक हमने पढ़ लिया, एक्सट्रेंसिक के जो दो टाइप्स होते हैं पी टाइप्स एंड एन टाइप, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। अब बात करते हैं कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। जब उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस्ड पे इनको जो है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सो अगर बात करें कि ये बनते कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी, इसमें इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है और उसके साथ में इम्प्योरिटी को उसमें मिलाया जाता है, तब क्या बनता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या होता है। पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम इसको देखते हैं कि इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो इम्प्योरिटी कैसी होती है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो इम्प्योरिटी किस टाइप की होती है। ओके, सो बात करते हैं इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, दैट इज द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि जिसमें जिसकी संयोजकता तीन हो, जिसकी वेलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज द थ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो होती है वो हम बात करते हैं इसमें जो है हम बोरोन का यूज करते हैं, इस टाइप से बहुत से ऐसे जो है जिसकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूँ कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, तो ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लेते हैं दैट इज द 14th ग्रुप। ओके, अब ये जो 14th ग्रुप के जो जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं दैट इज द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम जो है 13th ग्रुप की, ओके, 13th ग्रुप को उसमें डोपिंग करते हैं, 13th ग्रुप को उसमें मिलाते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। द एडिंग ऑफ द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड द डोपिंग। ओके, इम्प्योरिटी को ऐड करना जो होता है डोपिंग कहलाता है। और जैसे हमने एन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, अगर 15th ग्रुप की मैं अगर इसमें इम्प्योरिटी को मिलाता हूँ दैट इज द एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो प्रोसेस होता है ये यहाँ पे आपके पास में होता है, ये एन पी टाइप बनाता है और ये जो है वो इसमें एन टाइप बनाता है। ओके, अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इसका प्रीवियस है। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है, इसको पी टाइप और एन टाइप कहते हैं। समझने के अलग अलग इसमें तरीके हो सकते हैं। ओके, सो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि जो पी टाइप्स जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन होगी वो ये हो जाएगी कि इफ अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ टेट्रावेलेंट इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, बिकॉज 14th ग्रुप में जो भी होगा वो टेट्रावेलेंट होगा। ओके, टेट्रावेलेंट होगा उसका मतलब क्या होगा, उसकी संयोजकता चार होगी और यहाँ पे इसकी संयोजकता जो है इसकी संयोजकता तीन होगी। ओके, तो इफ अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर, टेट्रावेलेंट इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो कि टेट्रावेलेंट है उसमें अगर मिलाया जाता है देन दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इफ अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर क्रिस्टल देन दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ओके, अब बात करते हैं इसकी वीबीटी के बेस्ड पे, वैलेंस बैंड जो थ्योरी है उसके बेस्ड पे कि ये प्रॉपर वर्किंग क्या होती है इसकी। सो बात करते हैं, हमने एक बोरोन कार्बन को यहाँ सॉरी बोरोन एलिमेंट को यहाँ पे जो है लिया है और उसको सिलिकन जो कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमने मिलाया, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे बना रहे हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकन से बना हुआ एक क्रिस्टल लिया है उसमें हमने बोरोन को यहाँ पे डोपेड किया, बोरोन की डोपिंग हमने यहाँ पे की है। अब है ना, क्रिस्टल जो है वो किसका है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकन का क्रिस्टल है। सिलिकन की प्रॉपर्टी उस पर क्या होगी, अप्लाई होगी। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकन, सिलिकन है सिलिकन
सिलिकॉन हैज द फोर फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोर फ्री, फोर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? फोर इलेक्ट्रॉन। इसमें उसकी वैलेंसी कितनी है? फोर है। अब फोर बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बनाएगा। अब इस टाइप से उसने एक बॉन्ड इस बोरोन के साथ में बनाया, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बनाया, यहाँ से तीसरा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये चौथा बॉन्ड बनाएगा। इस टाइप से ये जो है यहाँ पे फोर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे सिलिकन करेगा, बिकॉज ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ऐसे आगे अगर आप यहाँ पे और बोरोन रखोगे तो वो उससे और इस टाइप से जो है आगे से आगे जो है इस टाइप से चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम और आगे इसको करते हैं तो ये आगे जो होंगे उससे बॉन्ड बनाएगा। ओके, आगे जो भी एटम्स होंगे, जैसे जो भी एटम में या तो सिलिकॉन होगा या बोरॉन होगा, दो में से कोई होगा, तो उसके साथ में वो क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन पे, इस जगह पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है? जीरो है इस जगह पे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई है ना इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस जगह को हम कहेंगे होल। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं, होल कोई अलग से कोई चीज नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उस बॉन्ड में, उस कोवेलेंट बॉन्ड में, वहां पे क्या हो जाता है? होल हो जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना नहीं सकता, तो हम इसको यहाँ पे एक होल कंसिडर करते हैं। होल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसे ही होता है, बट उसका अपोजिट होता है। होल का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एम्बियंट टेम्परेचर जब इसको मिलता है, वातावरण का जो टेम्परेचर इसको मिलता है, अच्छा एक चीज नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब आप इसको एन टाइप से रिलेट करते हैं, अगर इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं, एन टाइप में जो है अगर बात करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो वहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहता है, तो वहां पे एक्स्ट्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में होल रहता है। बिना किसी इलेक्ट्रॉन है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री नहीं हुआ, उसके बावजूद यहाँ पे क्या रह रहा है? एक होल बच रहा है ना। होल यहाँ पे क्या हो रहा है? होल का फॉर्मेशन हो रहा है। बिना इलेक्ट्रॉन है ना, बिना कोवेलेंट को तोड़े, उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कंसिडर, यहाँ पे होल जो है वो बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो चार्ज कैरियर है, दैट इज द होल। होल जो है वो एक्स्ट्रा में चार्ज कैरियर, यहाँ पे आवेश वहां का चार्ज कैरियर है। अब जब इसको एम्बियंट टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है, तब क्या होगा? एम्बियंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ से एम्बियंट टेम्परेचर मिलने से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है, होल कितने हैं? दो है। इट मीन्स ऑलवेज इन दिस केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, ओके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ होल्स से कम होंगे इन दिस केस ऑफ पी टाइप ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप जो बाह्य अर्धचालक होते हैं उनमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी, द नंबर ऑफ होल इज लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहां से क्या होगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई ना कोई दूसरा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहाँ से ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे और होल बन गया। अब जरूरी नहीं है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहे, वापस उस होल की जगह पे जा सकता है, बिकॉज होल में जो है वो नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, वो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे भी जा सकता है। इस टाइप से इसका रिकॉम्बिनेशन होता है, वो हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि होल जो है यहाँ से गायब हो गया, होल जो है नष्ट हो गया, रिकम्बाइन हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की जगह पे जा सकता, बट ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ होल इज लार्जर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब आप जितने इसमें इंप्योरिटी ऐड करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। सो ये था इसमें इसका पूरा वीबीटी के बेस्ड पे। अब बात आती है कि बोरोन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है। बोरोन की अगर बात करते हैं तो बोरोन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला उसको अपने और अट्रैक्ट करके उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी जो होती है इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और ये इसकी कंसंट्रेशन है। ओके, ये इसकी कंसंट्रेशन है जिसको हम एन ए से डिनोट करते हैं। एन जो है इसकी कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ए जो है वो एक्सेप्टर यहाँ पे नोट करता है उसके, इसको कहते हैं यहाँ पे एक्सेप्टर। ओके, इसको यहाँ पे ए जो है वो एक्सेप्टर के फॉर्म में यहाँ पे इसको लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं डोनर इम्प्योरिटी होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, उसको एन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो एन ए से किया जाता है। ओके, सो ये था इसके वीबीटी के बेस्ड पे। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो कंसेप्ट जो है इसका वो कंसेप्ट क्या है। सो कंसेप्ट इसका एक ही कंसेप्ट है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इट मीन्स
यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर मिलने के बाद में यहाँ पे आप जितने बोरॉन बढ़ाओगे या जितनी इम्प्योरिटी बढ़ाओगे, होल्स भी उतने बढ़ेंगे। ओके, जितनी इम्प्योरिटी बढ़ाओगे होल्स बढ़ेंगे, होल्स बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज द होल, दिस इज द कंडक्टिविटी एंड दिस इज द इम्प्योरिटी बोरॉन। ओके, हमने जो इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो ऐड की है, वो आप जितनी बढ़ाएंगे उतने उसमें होल बढ़ेंगे, होल बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, सो ये पूरा कंसेप्ट था जो आपके पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका। ओके, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है, जिसमें हमने देखा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का वीबीटी यानी कि वैलेंस बैंड थ्योरी पे बेस्ड पे हमने इसको देखा। अब वैलेंस बैंड थ्योरी पे देखने के बाद में हमको ईबीटी, इसके एनर्जी बैंड थ्योरी, उस पर भी देखना चाहिए कि इसके एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस, क्या उसमें परिवर्तन होता है, कैसे उसमें किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। बट एक चीज ध्यान रखें, ये जो है वो इसकी एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में आप ले सकते हैं कि हायर द इम्प्योरिटी, हायर द नंबर ऑफ, हायर द इम्प्योरिटी हायर विल बी द नंबर ऑफ होल्स एंड हायर विल बी द कंडक्टिविटी। हायर होल्स भी बढ़ेंगे और उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईबीटी के बेस्ड पे। तो ईबीटी के बेस्ड पे हम लेते हैं एक वेलेंस बैंड जो कि उस ना एटम का होता है जिसमें जिसका क्रिस्टल यानी कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का, तो यहाँ पे ये जो है वो सिलिकन का है। नाउ आगे बात करते हैं यहाँ पे द कंडक्टिंग बैंड, जो कि एक ऐसा इमेजिनरी बैंड होता है जो कि एक ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके, इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबके लिए इक्वल होता है। कंडक्टिंग बैंड की एनर्जी को ई सी से डिनोट करते हैं, इसकी ई वी से डिनोट करते हैं वैलेंस बैंड की एनर्जी को। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड में जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ऑलरेडी उसमें क्या होते हैं कि फ्री है ना होल्स बच जाते हैं, होते हैं ना, जैसे हमने बात किया था पीछे कि ऑलरेडी उसमें बिना किसी, अगर हम बात करें बिना किसी सॉरी एम्बिएंट टेम्परेचर के, बिना किसी टेम्परेचर के ऑलरेडी उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होल जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस बैंड में होल जो है वो ऑलरेडी बन रहा है। वैलेंस बैंड का मतलब होता है जो बॉन्ड के अंदर है, बॉन्ड में है वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज वैलेंस बैंड के ही चार्ज कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉन होल जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब इनको एम्बिएंट टेम्परेचर मिलता है तो क्या होता है, फ्री होल्स और फ्री होल्स बन जाते हैं, और फ्री होल्स बनने से क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। फ्री होल्स और फ्री होल्स कब बनेंगे, जब उनमें से इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इट मीन्स नंबर है ना, जो हायर द नंबर ऑफ होल्स, होल्स जो होते हैं उनके नंबर की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। अब इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका। सो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप से बॉक्स बनाते हैं। ओके, इस टाइप से बॉक्स बनाने के बाद में सो रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि जो हमारे पास में बोरोन का जो जो आपके पास में बोरोन एलिमेंट है, बोरोन एटम जो है वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है इम्प्योरिटी को। इम्प्योरिटी को एक्सेप्ट करने का मीनिंग क्या हो गया, एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो उसको नेगेटिव कहेंगे, दैट इज द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो इसको हमने नेगेटिव से डिनोट किया है, ये सारे बोरोन है। अब ईच बोरोन हैव द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जहां जहां बोरोन होंगे वहां वहां क्या होगा, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें जहां जहां बोरोन होगा वहां वहां एक एक फ्री होल्स होगा वहां पे, इसलिए हमने यहाँ पे इनको होल्स इस टाइप से डिनोट किए हैं। अब एम्बिएंट टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उससे भी होल्स बनेंगे, सो यहाँ पे और जो है होल्स बन रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी इन दिस केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स से कम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये पूरा सिस्टम होता है। अब आता है टोटल चार्ज इज जीरो। अब ऑलवेज कोई भी सेमीकंडक्टर होगा उसमें टोटल चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। ये कैसे होगा, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो क्रिस्टल टोटल चार्ज जीरो है, इट मीन्स आप कह सकते हैं क्रिस्टल इज द न्यूट्रल, क्रिस्टल जो है वो कैसा है, न्यूट्रल क्रिस्टल है। अब टोटल चार्ज की बात करते हैं तो टोटल चार्ज ऑफ ऐसे लिखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज। ओके, 1 मिनट, ये हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। इसका जो होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज की कंसिडरेशन हम यहाँ पे करेंगे। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब टोटल नेगेटिव चार्ज एंड टोटल
पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये जो सारे हैं इनकी कंसंट्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे मैंने बताया इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को हम एन ए से डिनोट करेंगे, ओके। फिर बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी कंसंट्रेशन को स्मॉल एन पी, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड पी मतलब हो जाएगा यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी टाइप से होल को डिनोट करेंगे हम यहाँ पे पी पी से, पी मतलब पॉजिटिव, ओके पी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव होल पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एन पी एंड ये पी एन पी पी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं टोटल चार्ज कितना होगा। सो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो टोटल चार्ज यहाँ पे एक अगर एक होल की अगर बात करते हैं तो उसमें एक होल में जो चार्ज होता है वो एक क्वांटा ई के इक्वल होता है, ओके ये होल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पे कितना है, पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल पे ही है बिकॉज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है तो ये नेगेटिव होगा। इसी टाइप से ई एन ए हो जाएगा, इसमें भी ई होगा, ओके इसी टाइप से ए हो जाएगा ई बिकॉज सब पे चार्ज तो कितना होगा, एक क्वांटा के इक्वल होगा तो ई ई आप हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी पी इज इक्वल टू एन ए प्लस ये हो जाएगा एन पी। अब टोटल चार्ज ये इस टाइप से होता है ना, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इस पे कंसेप्ट दे सकते हैं, थ्योरी दे सकते हैं कि आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ अगर आपको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी निकालना है दैट इज द एन ए इज इक्वल टू पी पी माइनस एन पी। ये आप एक फॉर्मूला भी यहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है होल की कंसंट्रेशन दी जाती है तो आप यहाँ पे उसकी जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो होल है, ओके यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि होल की जो संख्या होती है ना, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके ये जो है वो इससे बहुत ज्यादा होते हैं, इस टाइप से इसकी संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तब क्या कर सकते हैं हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन ये क्या हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू पी पी हो जाएगा। सो इसको हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है वो का जो चार्ज है उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो पी पी के सिमिलरली है, इक्वल है, इस टाइप से हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये पूरा कंसेप्ट था पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, एक ही वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया। आई होप कोई जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।